नमस्कार बच्चों, मैं हरेंद्र भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, मेरे भाई, यूपी पुलिस की मेरिट लिस्ट लगने के बाद बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सर अब हम क्या करें, आगे का प्लान क्या होना चाहिए, क्या तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो अलग अलग से जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आज मैं एक कंप्लीट पूरा प्लान तैयार करके लेकर आया हूँ कि क्या करना है आपको, पूरे बच्चों की कैटेगरी के हिसाब से। भाई आप किस किस कैटेगरी में आते हैं, आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है ना, वो क्या करें। दूसरी बात, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है वो क्या करें, और जो नए बच्चे हैं वो क्या करें। तीनों ही प्रकार के बच्चों के लिए एक बेहतरीन सा प्लान है। तीनों बच्चे आप यहां पर जरूर सुनना। तो सबसे पहले जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है वो क्या करें मेरे भाई। तो बच्चे सबसे पहले जो जिनका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है उसमें दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक जिनका मेरिट लिस्ट है 10+ मार्क्स है, जितनी मेरिट आपकी लगी है उससे 10 ज्यादा नंबर अगर आपके हैं तब आपके पास क्या प्लान होना चाहिए, और अगर आपके 10 नंबर से कम है, मतलब जितने आपकी मेरिट गई है उससे 10 नंबर से आपकी कम है, तब आप क्या करें बच्चे। सबसे पहली बात, बच्चे जिनका मेरिट लिस्ट में 10+ स्कोर है ना, तो आप कहते हैं आप सबसे पहले तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, है ना। फिजिकल की अच्छे से तैयारी करिए, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो मांगे गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बनवा लीजिए, और उसके बाद क्योंकि आपका सिलेक्शन लगभग तय है अगर आपका फिजिकल अच्छे हो गया तो। इसके बाद जब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे तो आपको समय नहीं मिलेगा आगे की तैयारी करने का, आप समझ रहे हैं, वहां पे आपको पढ़ाई का उतना समय नहीं मिलेगा, और यूपीएसआई की वैकेंसी आपको जो है देनी है, सबको देनी है अगर, ठीक है। तो अगर बच्चे उस समय पर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो इसका मतलब आप यूपीएसआई आपके हाथ से निकल जाएगा। तो बेहतर समय है कि आप फिजिकल भी करें, फिजिकल की तैयारी करें सुबह शाम जो भी आप जैसे आप करते हैं, उसके बाद दिन में जितना समय मिलता है वो आप यूपीएसआई की तैयारी अभी से तैयारी कर दें, यूपीएसआई के लिए अभी से जुड़ जाए मेरे भाई, क्योंकि बाद में आपको उतना समय नहीं मिलेगा। अब बात आती है बच्चे किसकी, जिनका मेरिट लिस्ट में 10+ से कम स्कोर है। तो आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं कि उनका नंबर नहीं आएगा, संभावना उनकी भी है पूरी पूरी, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मेरिट उतनी ना बढ़े, लेकिन फिर भी आप रनिंग करते रहे। मैं ये नहीं कहूंगा आप रनिंग मत करिए, आप रनिंग करते रहिए, लेकिन आगे की तैयारी बिल्कुल ना छोड़ें, है ना, क्योंकि आप जो है सबसे ज्यादा संभावना है आपका यूपीएसआई बनने की, आपकी सबसे ज्यादा संभावना है। क्यों? क्योंकि आप इस मेरिट लिस्ट में भी आप बहुत नजदीक थे, है ना, सिलेक्शन नहीं भी हुआ तो आप बहुत नजदीक थे, इसका मतलब अगला कदम आपका सफलता पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो मेरे बच्चे तैयारी बिल्कुल ना रोकें, फिजिकल भी करते रहें, और मेरे बच्चे यूपीएसआई के लिए अगर यहां पर चूक जाते हैं तो सीधी सी बात एक कदम ऊपर, मतलब इनका सीनियर बन के जाना है, ये तय कर लेना अभी से। तो तैयारी अच्छे से करते रहें, आज से ही शुरू कर दें। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है, हम देरी से शुरू करते हैं। अब चलिए बात करते हैं बच्चे उन बच्चों की जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया। यहां पर इसका मतलब ये नहीं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आए वो पढ़ने में अच्छे नहीं है, ये बिल्कुल इसका कतई मतलब ना निकालें भाई। अन्य अन्य बहुत सारे कारण होते हैं, कई बार बच्चा जो है जो अच्छा स्कोर उस दिन नहीं कर पाता है, ठीक है, या शायद उसका वो दिन होता ही नहीं है शायद उसका, या यूं कह सकते हैं कि किसी वजह से वो आप अपनी कुछ कमियां उसने की होंगी, वो बेहतर वही बच्चा जानता है। अब उसके सामने क्या क्या ऑप्शन है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आरपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं। अगर बच्चे आप आरपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए आरपीएफ की, है ना, बेहतरीन से तैयारी करिए, जैसे भी जहां से भी आप कर रहे हैं अच्छे से तैयारी करिए। लेकिन आरपीएफ का एग्जाम देते ही तुरंत, क्योंकि आरपीएफ का एग्जाम एसआई का तो अभी हो जाएगा, कांस्टेबल का भी होने वाला है, तो इसके बाद तुरंत अगली वैकेंसी पे लग जाइए, आप इंतजार मत करना, क्योंकि वैकेंसी अब लगातार आने वाली है, है ना, 40,000+ वैकेंसी कांस्टेबल की भी आने वाली है, उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, आप यूपीएसआई के लिए भी अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए अभी से बच्चे अगली वैकेंसी की तैयारी, अगले एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर दें। इसके बाद अगर आप ही आपका फॉर्म नहीं भरा है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 40,000+ वैकेंसी, एक आपके पास ये ऑप्शन है, एक यूपीएसआई की वैकेंसी जो आने वाली, एक आपके पास ये ऑप्शन है, और रेलवे एनटीपीसी, ये भी बहुत शानदार ऑप्शन है आप सबके पास, मतलब इन सभी एग्जाम की तैयारी आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे तैयारी, ठीक है। अब इसमें क्योंकि आपका नंबर क्यों नहीं आया था, उसकी कमियां जो पीछे आपने एग्जाम में की हैं, हो सकता है आपने तैयारी तभी शुरू की हो जब सीधे सीधे नोटिफिकेशन आ गया, क्योंकि बड़ी कमी रहती है ना मेरे भाई हमारी, हम तैयारी तभी शुरू करते हैं, ये नहीं करना है, अंत समय का इंतजार ना करें, वही मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, आज से ही तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि जब हम आपसे कहते हैं अभी से लग जाओ, तब उस समय पर आप कह रहे होते हैं कि सर अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया, अभी तो जो है एग्जाम के बारे में कुछ नहीं आया, फिर आप तैयारी शुरू करते हैं लास्ट टाइम पे, उससे बड़ा नुकसान हो जाता है, वहीं पर यही शायद सबसे बड़ी कमी रह जाती है, जो लगातार कंटिन्यू तैयारी रखते हैं, रेगुलरिटी रखते हैं, वो शायद एक कदम आगे निकल जाते हैं, ठीक है भैया। तो ये हो गया उनकी बात।
अब बात करते हैं उन बच्चों की जो अभी अभी क्या करना है, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी शुरू की है, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। उनके पास बच्चे ये सारे ऑप्शन है, सारे ऑप्शन है उनके लिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल 40,000 प्लस वैकेंसी, या आप खुशकिस्मत समझिए कि आपको बहुत जल्दी ये वैकेंसी दोबारा मिल जा रही है, वरना पिछले वाले बच्चों से पूछो उन्होंने कितना लंबा लंबा इंतजार किया था इस यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए। मतलब मुझे लगता है कि बड़ा बेहतर ऑप्शन रहता है कि आप जो है अभी आपने 12th पास किया है, तुरंत आपको एक वैकेंसी मिल जाए, आप तुरंत जॉब ले लें, इससे बढ़िया कुछ हो सकता है, है ना। तो आपके पास बहुत शानदार ऑप्शन है ये। उसके अलावा एनटीपीसी, इसके अलावा आपका यूपीएसआई, ठीक है। और अभी क्योंकि चुनाव है, चुनाव के समय पर और नई वैकेंसी भी जो है आ सकती हैं। अभी हम भी कुछ एक वैकेंसी के लिए आवाज उठाएंगे, लेखपाल की वैकेंसी, अन्य कुछ और वैकेंसी जो दी जा सकती है यहां पर। तो हमें तैयारी कैसे शुरू करनी है, किस तरीके से करनी है। तैयारी एक दिन में तो होती नहीं है, जिनका सिलेक्शन हुआ है आप उनसे अगर पूछेंगे तो उन्हें पता, वो बताएंगे आपको कि कितना समय उन्होंने तैयारी के लिए दिया है। तो एक दिन में नहीं होती, इंतजार आपको भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एप्लीकेशन से तैयारी शुरू करना, ठीक है। एप्लीकेशन से कोई भी एक थ्योरी बैच पढ़ लो, कोई भी एक थ्योरी बैच पढ़ लो, प्रॉपर उसका सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से रेगुलरिटी के साथ, है ना। एक एक दिन क्लास नहीं छोड़नी बिल्कुल भी, जब क्लास छोड़ते हैं बहुत नुकसान होता है, फिर आपके ऊपर बर्डन बच जाती है। और पहले दिन से बैच पहले दिन से ज्वाइन किया करो, ठीक है। दूसरी बात, सप्ताह में एक फुल लेंथ टेस्ट जरूर लगाएं, मतलब वीक में एक टेस्ट आपको लगाना ही लगाना है, तय कर लो अभी से, ये नहीं कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप लगाएंगे। और तीसरी बात, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट ही पढ़ें, सबसे ज्यादा जरूरी बात। क्यों? क्योंकि कई बार बच्चे खुद से जब तैयारी कर रहे होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि जो पैटर्न है एग्जाम का वो क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। खुद से तैयारी करना मतलब बुरा ऑप्शन नहीं है अगर आप अवेयर हैं तो, लेकिन अगर आप किसी टीचर के साथ तैयारी शुरू करते हैं तो आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें ही आपको बताते हैं कि भैया ये एग्जाम में आएगा, टू द पॉइंट वो आप पढ़ पाते हैं, तो आप ये तैयारी शुरू करते हैं।